बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज दूसरा रमज़ान है और सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है वो लेके आई हूँ, वो आपको दिखाऊंगी किस तरह आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी जगह एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जो आपकी स्किन को जो है लाइट भी करेगी, फेयर भी करेगी और फ्रैकल भी ख़त्म करेगी। स्पेशली जिनको फ्रैकल की प्रॉब्लम है या स्किन बहुत डार्क है तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले और कोई भी होम रेमेडी यूज़ करने से पहले एक आप जो है बात याद रख लीजिएगा। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी जो होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं आपकी स्किन जो है रेड हो जाती है, एकदम से रेड हो जाती है, तो आप उसको वहीं छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती एक अलार्म हमारी स्किन में रखा होता है कि वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि आपकी स्किन के लिए ये अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट को या उस होम रेमेडी को आपने जो है यहाँ कान के पीछे टेस्ट कर लें या फिर आप यहाँ पे जो है अपनी रिस्ट पे चेक कर सकते हैं कि ये आपके लिए जो है हार्मफुल तो नहीं है। अगर वो आपको रेड या कोई आपको एलर्जी हो रही है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको इस्तेमाल ना करें। अक्सर ऐसा होता है हम डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लेते हैं, क्रीम लेते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कुछ दिन आपकी स्किन रेड होगी और बाद में ठीक हो जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा कुछ बहुत कम कोई क्रीम्स होती हैं जिनका ये होता है साइड इफ़ेक्ट, लेकिन अगर आपकी स्किन रेड हो रही है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अलार्म है। जैसे अगर आपके दांत में दर्द है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको पेन होना शुरू हो जाती है, फीवर होना शुरू हो जाता है, तो सेम लाइक ऐसा ही होता है, आपकी स्किन जो है उसको बताना शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई भी क्रीम यूज़ करें, अगर ये दावा होता है कि एक हफ्ते के अंदर, दो हफ्ते के अंदर गारंटी से आपके दाग ख़त्म हो जाएंगे, तो प्लीज़ उस क्रीम को यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही जो है एक केमिकल बेस्ड क्रीम है और बाकी ही फ्रैकल ख़त्म करने के बाद आपकी स्किन बहुत डैमेज होगी, स्किन पतली हो जाएगी। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं हमारी वेन नज़र आ रही है, फार्मूला क्रीम लगाने से हमारी स्किन तबाह हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो उसका तो खैर सोल्यूशन काफ़ी बताए भी हैं मैंने, लेकिन ये है फिर भी 100% नहीं होते हैं। पहले आप खुद ध्यान से जो है हर चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें आपकी स्किन ख़राब ना हो। अच्छा, मेरे पास इधर जैनसन का है ये ब्राइटनिंग नाइट रिस्टोर, बहुत ही एक अच्छा है, तकरीबन 5000 का मिलेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इतनी बड़ी बॉटल नहीं है ये सारी यहाँ से खाली है और सिर्फ ये जो है यहाँ, ठीक है, यहाँ है ये क्रीम, यहाँ से इतनी सी बॉटल की ये क्रीम है और 5000 की है। रात को लगानी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर किसी को इससे भी एलर्जी हो रही है या जैसे मैंने आपको बताया है रेड हो रही, तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत ही अच्छी है, एक्सपेंसिव है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, ये बात नहीं है कि लोग जो है ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि गोरे हो जाएं, बिल्कुल ही ऊपर वाली लेयर उतर जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी फ्रेशनेस दे देती है आपको, स्किन डेड स्किन रिमूव कर देती है, आपका कलर थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो वही कलर अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं आप गोरे चिट्टे हाथ और पाँव और मुँह, और वो तो कुछ अजीब ही इंसान शगुफा लगता है। तो जैसे अगर आपके अब जैसे मेरे हाथों का कलर है, ज़ाहिर मेरे फेस का कलर भी या तो थोड़ा लाइट होगा या थोड़ा डार्क होगा, इस टाइप का होता है, तो आपकी बॉडी पूरी एक ही टोन में अच्छी लगती है। आप फ्रेश कर सकते हैं स्किन को, फ्रैकल हैं वो दूर करें, कलर को जो है एक टोन लाइटर कर लें, इस टाइप की आप सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह का जो है, जो लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही गोरी हो जाए जो कलर है उससे, ऐसा नहीं, एक दो स्किन लाइटर का मतलब होता है फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ है, इसमें मैंने एक क्रीम बनाई है, ये आप देख रहे हैं, बहुत इजी सा मेथड है और बहुत ही अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर किसी को एलर्जी है वो यूज़ ना करें। इसमें आपने ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ है और उसके साथ आपने जो है 1 टीस्पून आइसिंग शुगर, जो आइस शुगर होती है बिल्कुल पतली सी, आपने वो डालनी है इसके अंदर। और उसके साथ है आपने रोज़ वाटर, रोज़ वाटर भी आपने 1 ही टीस्पून डालनी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं इस फॉर्म में चाहिए। तो ये आपने बना के रख लेनी है, रात को अपने 15 से 20 मिनट तक फेस पे लगानी है और फिर उसके बाद आप रब करके उतार दें। अगर किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो वैसे ही वॉश करे, रब ना करे। अच्छा, ये क्या करेगा, आपके फ्रैकल भी ख़त्म करेगा। 3 मंथ रेगुलर यूज़ करना है जिनको फ्रैकल है, अगर कलर सिर्फ फ्रेश करना और फेयर करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ में आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन को जो है लाइट करेगी, ब्राइट करेगी, एक्सफोलिएट करेगी, स्किन को फ्रेश करेगी, क्लींजिंग करेगी, इवन फ्रैकल भी ख़त्म करेगी। तो एक बहुत ही अच्छी होममेड क्रीम है,
जैसे जेंसन का रिज़ल्ट है सेम ऐसा ही इसका रिज़ल्ट होगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अगर आप यूज़ करें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है नज़ीर फातिमा रेसिपीज़, प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।